हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी कोई मुझे सुन रहा हो। अभी इस समय आप मुझे सुन रहे हैं तो अभी तो रात को 2 बजे हैं, तो अभी तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि सो जाओ और सुबह ये वीडियो को देखना। एनीवेज, इस वीडियो का जो टाइटल आपने इस समय पढ़ा होगा ऊपर, छोटी छोटी कुछ रेलेवेंट बातें, इसको सुन के आपको लगा होगा कि ये डिस्कस क्या होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का एम क्या है मेरा, पहले मैं आपको एम बता दूं। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, और वैसे भी मेरे को नॉर्मली जो हमारे फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं वो हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, जब भी मैं उनको बताता हूं कि आपको पढ़ना है, आपको रैंक लानी है, आप ला सकते हो, हमेशा मुझे सामने से ये सुनने में आता है, सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 15-20 दिन है हमारे पास, हम कैसे करेंगे। यानी हर किसी के पास ले दे के यही प्रॉब्लम आती है कि सर आपके बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में तो हम मान लेते हैं 75+ आएंगे, बट रैंक सिक्योर करने के लिए या हमें सीए क्लियर करने के लिए, फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, हमें हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। और आई अंडरस्टैंड कि कुछ स्टूडेंट्स का अकाउंट स्ट्रांग है, कुछ का मैथ स्ट्रांग है, किसी का लॉ स्ट्रांग हो सकता है, तो सर हम सारे सब्जेक्ट से कॉप अप कैसे करें जहां पर हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाई है कुछ छोटी बातें डिस्कस करने के लिए जो बहुत रेलेवेंट हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए। अब ये रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आप पहली बार किसी प्रोफेशनल पेपर को देने वाले हैं। आप मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने 12th क्लास का पेपर दिया, और ये पहली बार है जो सीए का पेपर आप देंगे। एंड आई अंडरस्टैंड, जब पहली बार सीए का पेपर देंगे, 11 नवंबर 2018 को आपका पेपर है, जो 10th रात को आपके दिल में धक धक हो रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इस स्टेज से जा चुका हूं। मुझे भी पता है मेरे सीए इंटर, सीए फाइनल, सीपीटी, हर पेपर के पहले मुझे डर लगा था। सो वो वाली चीजें कि अब वो आखिरी दिन आपको डर ना लगे, उसको डील करने के लिए मैंने कुछ चीजों को समराइज किया है यहां पर, कि आप इन 15-20 दिन, मेरे आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज से एग्जैक्टली 20 या 21 दिन पड़े हैं, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए इन 15-20 दिन में। सबसे पहली चीज, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम के इन दिनों में, वो ये करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट को सारा दिन पढ़ते रहते हैं। कहीं उन्होंने इन दिनों मैथ स्टार्ट किया, कहीं उन्होंने इन दिनों अकाउंट स्टार्ट किया, वो पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ते रहेंगे विद अ टारगेट कि मैं 5 दिन में सारा अकाउंट्स, सारा मैथ्स या सारी इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगा। दिस स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग। इस स्ट्रैटेजी से आप चलोगे तो आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, एक बहुत बेकार होगा, और सीए में एक सब्जेक्ट अगर 40 के नीचे रह गया तो सारा के सारे पेपर रह जाएंगे। इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप दिन में 3 सब्जेक्ट उठाओ। 3 सुनने में ज्यादा लग रहे हैं, बट बिलीव मी इट इज पॉसिबल। सबसे पहली बात, आपका माइंड, आपको समझने की जरूरत है कि आपका माइंड दिन के हर समय इक्वली तेज नहीं चल रहा होता, इक्वली गुड नहीं होता। इस समय मैं फ्रेश हूं, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मुझे पता है इस समय फ्रेश माइंड से मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक अकॉर्डिंगली इन दिनों आपका भी एक टाइम शेड्यूल होगा, उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको डिटरमिन करना है मेरा माइंड कब फ्रेश है, कब थोड़ा डल रहता है। जब भी आपका माइंड फ्रेश रहता है, जो कि हमेशा उठने के बाद ही रहता है, इमीडिएटली यू शुड ऑलवेज कंसिडर अ थ्योरी सब्जेक्ट। एंड आई बिलीव वन थ्योरी सब्जेक्ट जो आप सबको परेशान करेगा इन दिनों में, वो है लॉ। तो आपको अगर लॉ परेशान कर रहा है क्योंकि वो नया सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना, सबसे पहली चीज आपको दिन में लॉ पढ़नी चाहिए। साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, प्रैक्टिकल मैथ्स हो सकता है, प्रैक्टिकल अकाउंट्स हो सकता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको तब हेल्प करता है जब आप दिन में थोड़ा सा थक जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं मांगता जो आपकी थ्योरी सब्जेक्ट मांगता है। सो आपको हमेशा अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन समय में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे समय साथ साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है। थर्ड सब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं दिन में, आपको जिसके लिए टाइम निकालना है, मे बी आप उसके लिए 1 घंटा निकालें, 1.5 घंटा निकालें, वो एक सिंपल सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट को, बिजनेस इकोनॉमिक्स को और बीसीके को सिंपल सब्जेक्ट मानता हूं, क्योंकि यहां पर आपको रीड करना होता है रादर देन कि आपको याद रखना है, आपको रीड करना है, आपको समझते जाना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ इजी टॉपिक हैं, आपके अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, आपका इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, आपका बीसीके बहुत इजी है। बेसिकली ये जितने इजी टॉपिक्स हैं इनको आपने किसी तरह इन्हीं 20 डेज में थर्ड टॉपिक की तरह रिवाइज करना है। डोंट थिंक इनके लिए एक अलग दिन आएगा जब आप सवेरे उठेंगे और इनको पढ़ेंगे। आपको मेन चीज तो रखनी है लॉ को। लॉ के लिए इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है कि आप अगर 20 डेज रह गए हैं, आप रोज इसमें से 15 या 16 दिन रोज लॉ पढ़िए ही पढ़िए। लॉ तो लॉ पे रोज फोकस कीजिए,
और साथ साथ अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिक के जैसे सब्जेक्ट हैं इनको थर्ड सब्जेक्ट मान के रोज डेढ़ या दो घंटे इनके लिए निकालने हैं। रोज मान के चलो रात को 8 से 10 बजे या जब भी आपको कंफर्टेबल रहता है दो घंटे इसके लिए निकालने हैं। दूसरी चीज, हमारी जो गलती यूजुअली होती है वो ये होती है कि हम जब रिवीजन के लिए बैठते हैं हम हमेशा उन टॉपिक्स को पकड़ते हैं जो हमें ऑलरेडी आते होते हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। मान लो मेरा अकाउंट स्ट्रांग है, मुझे अकाउंट्स में स्टार्टिंग के चैप्टर ज्यादा अच्छे आते हैं, मैं सारा समय सारा फोकस उसमें डाल दूंगा, बाद वाले जो मुश्किल टॉपिक हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम हमेशा टफ काम को अवॉइड करते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती है, अगर आज इस समय 19 या 20 अक्टूबर है तो आपको अभी आपको पता है मेरे 20 दिन पड़े हैं, जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक टफ लग रहा है अभी उठा लो, क्योंकि वो जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आता जाएगा टफ सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, इजी सब्जेक्ट ही हो पाएंगे। अभी भी कोई सब्जेक्ट अगर टफ लग रही है, अभी भी टफ लग रहा है, तो एग्जाम में बिलीव मी वो बहुत टफ लगेगा। उन दिनों दिमाग एक अलग वे में वर्किंग कर रहा होता है, वो नया सीखने के लिए तैयारी नहीं होता। नया सीखना है, कोई टफ काम करना है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, इन्हीं दिनों कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी मैथ्स वीक है, इन्हीं दिनों करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लॉ वीक है, इन्हीं दिनों करो। इनफैक्ट मैं कहूंगा लॉ तो रोज पढ़ो, लॉ की रिविजन वीडियोज टेलीग्राम में आ ही रही है, आपको नोट शेयर कर दिए गए हैं, उनको रोज रिवाइज करो, रोज पढ़ो उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपने देखा होगा आपके मैथ्स में आपके अकाउंट्स में हर चैप्टर के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। अब एक चीज, प्रैक्टिस एक अलग चीज होती है जो क्लास में आपको बार बार कराई जाती है। इस समय अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बिलीव मी आप सबने पहली बार पढ़ाई तो कर रखी होगी। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अभी बुक के ऊपर धूल हटाकर अभी पढ़ रहा है, नहीं। पहली रिविजन आपने कर लिया, मतलब पहली बार आपने पढ़ लिया, अब आप कर रहे हैं रिविजन, आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। अगर आप सारे क्वेश्चन करेंगे बिलीव मी आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और सीए फाउंडेशन क्या, सीए इंटर और फाइनल की बात भी कर रहा हूं मैं, कभी भी आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको इसी स्टेज पर, इसी रिवीजन स्टेज पे कुछ मेन क्वेश्चंस को करना है, कुछ क्वेश्चंस को करना है सिर्फ ऑडिट। ऑडिट कैसे करना है, आपने आंसर ऑलरेडी आपने अपनी नोटबुक में या आपके सोल्ड आंसर पढ़े होंगे, आपने सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो अकाउंट्स के अंदर आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है, और उन एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में कवर्ड नहीं थी। अगर आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर 50 क्वेश्चन है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप 50 क्वेश्चन इस समय करो। इस समय आपको 5 क्वेश्चन करके देखने हैं अपनी स्पीड बनाने के लिए, बाकी क्वेश्चंस को मार्क करते जाना है कि ये इसमें से ये पॉइंट सारे सिंपल थे, सिर्फ ये रेलेवेंट पॉइंट था। साथ साथ एक चीज याद रखना, आपके एग्जाम में एक एक दिन की छुट्टी है। मैंने आपकी डेट शीट चेक करी, आपका पहला पेपर है 11 को, फिर है 13 को, फिर है 15 को, फिर है 17 को, यानी हर पेपर में एक ऑफ मिलेगा और पहला पेपर है संडे को। तो ध्यान रखना इस बात का कि एक दिन जब वो प्रिपरेशन करनी है, उस एक दिन की स्ट्रेटजी उस दिन नहीं सोचनी, आज ही सोच के चलनी है। मतलब आपको आज ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करके चलने हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके चलने हैं जो आपको आखिरी दिन रिवाइज करने हैं, क्योंकि आखिरी दिन उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना अभी है आपके पास। सो आपको, मेरे हिसाब से, मैं अपने पढ़ने के समय में क्या करता था, मैं चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता था उसके ऊपर आधा घंटा स्पेंड करता था, और जो भी चीजें मुझे मुश्किल लगी हैं, जो चीजें मुझे समझ आई हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में एक साइड में एक जगह लिख लेता था, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस समय बोल रहा हूं आई एम यूजिंग सम पार्ट ऑफ इट एज इंग्लिश, सम एज हिंदी, मैं अपने माइंड में उस चीज को रिपीट करता था कि मुझे इस चैप्टर में कहां कहां प्रॉब्लम आई और क्या क्या मैंने इसके अंदर न्यू डिस्कवरीज करी, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या नया सीखा। अगर आप मेरी बुक देखेंगे, मेरी बुक के अंदर हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट्स लिखे होते थे कि ओनली फिफ्थ एडजस्टमेंट रेलेवेंट, ओनली दिस थिंग इज रेलेवेंट, ताकि जब अगली बार उस क्वेश्चन को देखो उस पूरे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी नोटबुक में रेड पेन से मार्किंग्स होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एडजस्टमेंट देखने की जरूरत है, इस मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर ये केस लॉ इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से अगर आपने मार्किंग करी हुई है आप आखिरी दिन रिवाइज कर पाएंगे बहुत जल्दी, नहीं तो आखिरी दिन बिना नींद पूरी किए फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो बिलीव मी इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो इस रिवीजन के समय ही आपको अगली रिवीजन की तैयारी करनी है। कैसे, स्मार्ट स्टडी से। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करने हैं, आपको ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बाकी क्वेश्चन
ऑडिट करते जाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको मार्क करना है आखिरी दिन के लिए, नहीं तो उसको क्या कर लेना स्ट्रेट अवे, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आखिरी दिन की रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होगी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट पहली बता रहा हूं आखिरी दिन आप सिर्फ टॉपिक को रिवाइज कर पाते हैं और उसके क्वेश्चन पे, हर चैप्टर के क्वेश्चन पे सिर्फ 10 से 15 मिनट दे पाते हो, और उस 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट रेड मार्किंग्स आपने इस समय करी है सिर्फ वही पढ़ पाओगे। अगर आपने अपने खुद के सेल्फ रिटर्न कुछ नोट्स दी है अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए तो आप जल्दी से उनको गो थ्रू कर सकते हो, अपने कोई फ्लो चार्ट आपको समझ आए हैं तो आप अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हो इस समय। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर चीज जो एक रैंक होल्डर को एक नॉर्मल स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करती है वो यही है, रैंक होल्डर ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लास्ट डे एज वेल, क्योंकि लास्ट डे भी तैयारी करनी है हमको, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है, ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी और स्लीप, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो मेरे पास टेलीग्राम में यूट्यूब पे वैसे भी आता है, सर कितना घंटे सोना चाहिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए कोई सेट तरीका नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे से अगर आप पूछो इट इज नॉट द क्वांटम, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन विद विच यू आर पुटिंग इन, इफेक्टिव आवर्स मैं इसको बोलता हूँ, आपने आवर्स नहीं गिनने, आपने इफेक्टिव आवर्स गिनने हैं। अगर आप ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप खाने पीने में स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ बुक के सामने बैठे हैं और व्हाट्सएप चला रहे हैं, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, उसे आप पढ़ाई में मत गिनिए। इफेक्टिव आवर्स अगर आप मेरे से पूछो कितने दिन पढ़ना, कितना घंटे पढ़ना चाहिए, 6 से 8 घंटे आपको रोज पढ़ना पड़ेगा इफेक्टिवली। और मैं इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करो, मैं मान के चल रहा हूं आप इस समय अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आप एक रैंक को टारगेट कर रहे हो, आप अच्छे मार्क्स को टारगेट कर रहे हो, तो 6 से 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी आई वुड एग्री हाँ चाहिए, बट उसको इफेक्टिव रहने दो, अगर आप उसको इफेक्टिव रखोगे तो दिन में बाकी समय में टाइम मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना, इन दिनों अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज आई हैव सीन इन्यूमरेबल केसेस जहां पे स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ को टोटली इग्नोर कर देते हैं इन दिनों, और लास्ट में क्या होता है जैसे जैसे हम पास जाते हैं हमारी टेंशन भी बढ़ती जाती है, हमारा एफर्ट बढ़ता जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आई हैव सीन केसेस जहां पर कुछ लोगों ने आईपीसीसी में अब जो इंटर हो गया वहां रैंक लिया और फाइनल में फेल हो गए क्योंकि वो आखिरी दिन बीमार हो गए। अगर आखिरी दिन आप बीमार होते हो तो बिलीव मी बहुत दुख होता है, नॉट जस्ट स्टूडेंट को, एज अ फैकल्टी हमें भी दुख होता है कि एक बच्चे के पूरे 6 महीने वेस्ट हुए हैं उस वजह से। सो आप अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना, कभी भी इतना प्रेशर मत डाल देना पढ़ने के चक्कर में, हार्ड वर्किंग होना है बट साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ काम करना है, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक चीज हो रहा है, आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर मॉक टेस्ट पेपर करने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मई 18 के अंदर हमें जो फीडबैक मिला स्टूडेंट से वो ये मिला कि मैथ स्टैट्स लॉजिकल रीजनिंग वैसे तो ईजी लगता है बट जब वो 2 घंटे में अटेम्प्ट करना पड़ता है पेपर तो पेपर पूरा नहीं होता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सुना 100 क्वेश्चंस आए थे उनको अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे थे जिसकी वजह से काफी बच्चों का पेपर छूट गया। सो इस चीज को सिनेरियो को क्रिएट करो, एक मॉक टेस्ट पेपर की अलग अलग सीरीज आपने देखी होगी आई हुई आईसीआई की, शायद 3rd सीरीज चल रही है, 3 अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं, उनको बिल्कुल एग्जाम जैसे सिनेरियो के अंदर एक अकेले रूम में बैठ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अकाउंट्स को पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो क्योंकि अकाउंट्स का पेपर अक्सर छूट जाता है, मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लॉ के पेपर को राइट लिखने की आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। आई बिलीव आपको रिवीजन वीडियोस के साथ साथ वो वाली चीज साथ साथ मिल रही होगी कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, या आपको जो नोट शेयर किए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे उसमें भी अटेम्प्टेशन के बारे में हमने बात की गई है। तो इन चीजों को बड़ा ध्यान देना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मॉक टेस्ट पेपर जरूर करना। मेरे सब्जेक्ट की बात करें इकोनॉमिक्स, में वहां इतना ज्यादा इनकरेज नहीं करता क्योंकि इकोनॉमिक्स में टाइम कंस्ट्रेंट इज नॉट अ बिग डील, वहां पर 2 घंटे कम नहीं है, बट हां मैथ्स में आई अंडरस्टैंड बहुत कम है, तो मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर निकालना इज नॉट जस्ट एन अचीवमेंट, उसको सही समय में निकालना इज एन अचीवमेंट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी एलआर के असाइनमेंट थे हम नीचे बार बार लिखते थे कि इट इज नॉट रेलेवेंट कि आपने इसका आंसर सही किया है, इट इज रेलेवेंट कि जो हमने आपको 20 मिनट्स 30 मिनट्स दिए हैं आपने उसी में उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया, बिकॉज टाइम इज अ मेजर कॉन्स्ट्रेक्ट। सो आपको मॉक टेस्ट पेपर करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, आपको आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगे, आपको गूगल करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर वो मिल जाएंगे, राइट। लास्ट चीज है आखिरी हफ्ते में क्या करें, आखिरी हफ्ता आपका मैंने आपको बताया संडे को आपका पेपर है, चेक कर लेना 11 तारीख संडे को पड़ रहा है और उससे पहले वाले वीक में या उसके आसपास ही दिवाली पड़ रही है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिवाली के समय एग्जाम आना इज अ प्रॉब्लम, बट बिलीव मी मैंने अपनी लाइफ में जितने एग्जाम दिए हैं मैंने हमेशा नवंबर अटेम्प्ट दिया,
और नवंबर अटेम्प्ट में हमेशा मेरे साथ हुआ है कि दिवाली बीच में पड़ी है। एक बार तो ऐसा था दिवाली के इमीडिएटली नेक्स्ट पेपर था। सो इस बार की दिवाली में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ा सा एंजॉय कर लेना वहां पर, बट उसकी वजह से स्टडीज को इफेक्ट नहीं डालना। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका पेपर 11 तारीख को और आपका पहला पेपर अकाउंट्स है, तो आपको अपनी 7 तारीख की अंत तक, इनफैक्ट 8th तारीख तक, 8th ऑफ नवंबर तक आपको स्ट्रेटजी चारों सब्जेक्ट्स पे रखनी है। यानी जो एग्जाम स्ट्रेटजी आप आज बनाओगे उसको 8th तक बनाना, क्योंकि 9th और 10th आपको पूरी तरह से अकाउंट्स को देना चाहिए। वैसे तो हर पेपर में एक छुट्टी मिलती है, बट पहले पेपर में क्योंकि टेंशन लेवल ज्यादा होता है, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आप उसके लिए 2 दिन रखो। सो 9th और 10th पूरी तरह से अकाउंट्स को जाएंगे, बट 8th तक आपने अपने जो भी स्ट्रेटजी चल रही है, जो भी आपने 3 सब्जेक्ट चुने हैं अपने, उनको साथ साथ लेके चलना है। 3 सब्जेक्ट की मैं फिर से बात बता दूं, आपको एक लॉ सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से, एक कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स या मैथ्स, और एक सिंपल सब्जेक्ट जो मेरे हिसाब से है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीसीके, लॉजिकल रीजनिंग, अकाउंट्स के सिंपल वाले टॉपिक्स। ठीक है जी, इस तरीके से अपने टाइम टेबल को बनाइए 8 तारीख तक। 9 और 10 तारीख पूरी तरह से आपने डेडिकेट करनी है अकाउंट्स को, और उसके बाद तो एक एक दिन का ऑफ के बाद आपका पेपर होगा। इस तरीके से अपने एग्जाम को प्लान कीजिए। अब आप मेरे से ये पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को लेना चाहिए प्रैक्टिकल, कौन सा मुझे थ्योरी। थ्योरी में मैंने आपको बता दिया लॉ को तो रखना ही रखना है, बीसीके और बिजनेस इकोनॉमिक्स को दिन में साथ साथ करनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है, आई वुड रिकमेंड मैथ्स पहले कीजिए। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, 11, 12 में आपका मैथ्स था, तो आप अकाउंट्स के जो नए टॉपिक्स हैं, कुछ नए टॉपिक्स हैं जो आपके 12th में नहीं थे, आप उन पे पहले फोकस कीजिए। जो टॉपिक्स ऑलरेडी 11th 12th क्लास में पढ़ रखे हैं वो तो आसानी से हो जाएंगे, आई बिलीव। ठीक है जी, सो दैट वाज माय स्मॉल वीडियो ऑन द टॉपिक्स ऑफ छोटी छोटी बट बहुत रेलेवेंट बातें। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, जैसे मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की हर रिविजन क्लास में बार बार बोल रहा हूँ 75+, वैसे इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ अपने पे विश्वास रखो। जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो कुछ अलग लोग नहीं होते हैं, वो आपके जैसे लोग होते हैं, बस उनकी लास्ट दिनों में स्ट्रैटेजी सही होती है। इन दिनों में थोड़ी सी मेहनत करो, स्ट्रैटेजी अपनी सही रखो, स्मार्ट स्टडी करो, बिलीव मी यू कैन बी द नेक्स्ट रैंक होल्डर। थैंक यू सो मच, दिस इज संचित ग्रोवर। आपको कोई भी और डाउट्स हो आप मेरे से टेलीग्राम पे, यूट्यूब वीडियो पे शेयर कर सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, आपको हमारी वीडियोज, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल कैसा लग रहा है, कीप राइटिंग टू अस। आपकी जो राइटिंग्स आती हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं अपनी अगली वीडियोस के मुझे आइडियाज मिलते हैं कि मुझे अगली वीडियोस में क्या डिस्कस करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट टू। थैंक यू सो मच।